नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में, जहाँ पर हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन और अनेक कॉन्सेप्ट। यानी कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको लगेगा कि जैसे आपने 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हो, और इसी तरह के एक क्वेश्चन को लेकर के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आप चाहते हैं कि आपके हर क्वेश्चन से आपको 50ों क्वेश्चन याद होते जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे यूट्यूब की क्लासेस का भी आपको ध्यान रखना है। और ऐप पे हम इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करते ही रहते हैं, जिनका टाइमिंग है आपका रात को 9 बजे जो आपकी मास्टर क्लास होती है, ऐप पे बिल्कुल फ्री होती है आपके लिए, जहां पर एक क्वेश्चन के अनेक कॉन्सेप्ट वाला जो आपको क्लास है वो मिलता रहेगा, जिसमें आपके 10ों क्वेश्चन होते हैं उसको हम डिटेल में सॉल्व करके और उसके बारे में आपको सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को जल्दी जल्दी से जुड़ जाना है और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर हमारे पेड सेशन से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0804588812 के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाए। अब सबसे पहले आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना है, उसके बाद में मैं उसका विश्लेषण करते हुए आप सभी को ये बताऊंगी कि किस तरह से जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे और हमें कैसे सॉल्व करना है उनको। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर ये, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के पहले से बाद के क्रम में आपको बताना है। ठीक है, सामान्य क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर करना है, उसके बाद में हम इसकी डिटेल पर चलेंगे। आपके सामने 5 उपन्यास दिए गए हैं, 55 खंबे, लाल दीवारें, समय सरगम, बेघर, शालमली और चाक। बताइए आंसर क्या होगा, पहले तो आपको इसका आंसर करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगर जैसे मैं आज आपको करवा रही हूँ, अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो समय जरूर लगेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर दोहराए जाते हैं, इसमें से अलग क्वेश्चन बनाया जाता है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो आप आंसर एकदम करेक्ट कर पाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और ये चीज़ें जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगी। हाँ बताइए, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि 55 खंबे लाल दीवारें जो है ये किसका जो आप सभी का उपन्यास है। ठीक है, किसका उपन्यास है, तो यहां पर आप सभी को दिखाई देगा कि ये 55 खंबे लाल दीवारें जो है वो किसका है, ये है आपका उषा प्रियंबरा, उषा प्रियंबरा। अगर हम बात करें कि ये उपन्यास जो है ये आता कब है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये कब आता है, प्रकाशन में 1961 में आता है। दूसरी अगर हम बात करें आपके समय सरगम की, समय सरगम जो है वो आपका है कृष्णा सोबती का, तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही बन जाता है आपका, क्योंकि कि यहाँ पर अलग अलग उपन्यास है और उन सबके अलग अलग रचनाकार है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर बन गया, दूसरा अलग अलग उपन्यास है, इन सब के प्रकाशन वर्ष अलग अलग है और अभी आगे आपको और बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कृष्णा सोबती जी का है, कब आया है ये आपका 2000 के ईस्वी के स्वरूप में दिखाई देता है। उसके बाद आप देखेंगे बेघर, बेघर जो है वो किसका है, ममता कालिया का, किसका, अभी ममता कालिया का उपन्यास है। अगर हम बात करें ममता कालिया जी का बेघर जो उपन्यास है ये आपका कब आता है, तो ये आता है आपका 1971 में। ठीक है, कब आता है आपका 1971 में। फिर अगर हम बात करें शालमली जो उपन्यास है, शालमली है आपका नासिरा शर्मा जी का शालमली। अगर हम बात करें कि शालमली जो उपन्यास है ये कब प्रकाशन में आता है, तो ये आ जाता है आपका 1987 में। ठीक है, 87 में। फिर हम बात करें चाक, तो चाक उपन्यास जो है ये है आपके मैत्री पुष्पा का, ठीक है, मैत्री पुष्पा जी का है। अगर हम बात करें कि मैत्री पुष्पा जी का जो चाक उपन्यास है ये कब आता है, तो चाक उपन्यास आता है आपका 1997। ठीक है, तो अब आपके सामने क्या हो गया, ये अलग अलग 5 उपन्यास हैं, 5 आपकी रचनाकार हैं, 5ों का प्रकाशन वर्ष है।
अब देखेंगे आप एक चीज इसके अंतर्गत, एक कॉन्सेप्ट आप सभी को इसके अंतर्गत दिया गया है कि ये जो सारी रचनाएं हैं या जो रचनाकार हैं ये सभी क्या है, स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई, इनको हम स्त्री विमर्श लेखिकाओं के स्वरूप में जानते हैं। ये किस में आ जाएंगी आपकी, स्त्री विमर्श से जुड़े हुए स्वरूप में हमारे समक्ष आ जाएगी। अब स्त्री विमर्श क्या होता है, स्त्री विमर्श क्या होता है, स्त्री विमर्श का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि स्त्री की अस्मिता, उसकी पहचान, उसके संघर्षों का को केंद्र में करके जो वर्णन किया जाता है वो आपका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में हमें जानना है, क्योंकि जब यहाँ पर पूछा गया है तो हम बात करें अगर उषा प्रियंवदा जी का जन्म, ठीक है, उषा प्रियंवदा जी का जन्म कब हुआ, तो उषा प्रियंवदा जी का जन्म होता है 1931 में। क्योंकि जब इनकी रचनाओं का क्रम हमसे पूछ लिया गया है तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि रचनाकारों का अनुक्रम भी पूछा जा सकता है, जो कि है आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। भाई पहले हमने इनके उपन्यासों के बारे में रचनाकार जाने, इनके प्रकाशन वर्ष जाने, और अब हम इनके अनुक्रम की ओर चलते हैं जो रचनाकारों का अनुक्रम है। ममता कालिया की बात करें तो इनका जन्म होता है 1940 में। ठीक है, अगर हम नासिरा शर्मा की बात करें तो इनका जन्म होता है 1948 में। ठीक है, अगर हम मैत्री पुष्पा जी की बात करें तो इनका जन्म होता है 1944 में। अगर हम कृष्णा सोबती जी की बात करेंगे तो इनका जन्म होता है 1925 में। आप देखिए ये जो जन्म है इससे आप इनको अनुक्रम में लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन आ जाएंगी आपकी, कृष्णा सोबती जी। भाई स्त्री विमर्श की अगर हम बात करें तो स्त्री विमर्श लेखिकाओं में महादेवी वर्मा जी पहले आती हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी की कृष्णा सोबती जो है वो सबसे पहले आ जाएंगी। कृष्णा सोबती के बाद में उषा प्रियंवदा आ जाएंगी, जिनका 1931 में आपका जन्म होता है। उसके बाद में आप उनको अनुक्रम में लगाएंगे तो ममता कालिया आ जाएंगी, फिर मैत्री पुष्पा, और नासिरा शर्मा जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले करते हैं कृष्णा सोबती जी के उपन्यासों के बारे में बात। कृष्णा सोबती, अब जब हम यहाँ पर कृष्णा सोबती जी को पढ़ रहे हैं, इनका जन्म का वर्ष हमने यहाँ पर ही एक साथ लिख लिया है, 1925 में जो है वो इनका जन्म का स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। अब इनके विभिन्न उपन्यास, इन्होंने एक ही तो लिखा नहीं है, समय सरगम अकेला ही तो लिखा नहीं है। तो जब हम कृष्णा सोबती जी के उपन्यासों की बात करते हैं, 1925 में इनका जन्म होता है और 2019 में जो है वो इनकी मृत्यु होती है। इनके इंपॉर्टेंट में आप देखेंगे मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी जो है ये आपका आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मित्रों मरजानी के स्वरूप में देखेंगे। ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में ये इंपॉर्टेंटली आपको देखने में मिलेगा इनके उपन्यासों के अंतर्गत। ठीक है, इनका जो अगला आप देखेंगे वो है आपका जिंदगी नामा, जिंदगी नामा जो इंपॉर्टेंट है, दिलो दानिश, दिलो दानिश जो इनका इंपॉर्टेंट है, और इनका एक एक और जो आपका आ जाता है इनके स्वरूप में वो है चन्ना। अब देखिए कृष्णा सोबती जी के जो उपन्यास है उसमें एक तो यहां पर आपको बता ही दिया समय सरगम जो 2000 में आ रहा है, तो मित्रों मरजानी जो है ये आता है इनका 1967 में, 67 में आ जाता है ये उपन्यास इनका मित्रों मरजानी। ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे में जो है ये इनका 1972 में आ जाता है, 1972 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जिंदगी नामा जो आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है 1979 में आ जाता है, यानी कि 1979 में आ जाता है। ठीक है, दिलो दानिश की बात करते हैं तो 1993 में आ जाता है, 1993 में आ जाता है, और चन्ना जो है ये इनका अंतिम मान सकते हैं आप उपन्यास जो 2019 में आ जाता है, 2019 में ही इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, समय सरगम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 2000 में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो है आपका समय सरगम आ जाएगा।
यहाँ पर जो है ये वाला समय सरगम इनका 2000 में जो दिया गया है ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कृष्णा सोबती जी के सारे उपन्यास याद हो गए, ठीक है, सारे के सारे उपन्यास आपको यहाँ पर कृष्णा सोबती जी के याद हो गए। अगले हम आगे बढ़ते हैं, कृष्णा सोबती जी के बाद में हमने क्रम में किसको देखा, वो है आपकी उषा प्रियमदा, ठीक है। कृष्णा सोबती जी को इनके जिंदगी नामा के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1979 में इनका ये उपन्यास आता है और इनको 1980 में यानी कि एक साल बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले आए आपके उषा प्रियमदा, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गई अनुक्रम में हमारे। दूसरे नंबर पर है उषा प्रियमदा, ठीक है। इनका जन्म मैंने अभी आप सभी को बताया जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1931। इनके जो उपन्यास आप सभी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट स्वरूप में आ जाएंगे, जैसे रुकोगी नहीं, राधिका, शेष यात्रा, जो इम्पोर्टेंट है एक तो यहाँ पर आ ही गया आपका 55 खंभे लाल दीवारें, तो ठीक है। इनका एक और देखेंगे आप अंतरवशी, अंतरवंशी जो इनका आ जाएगा इम्पोर्टेंटली, ठीक है। उसके अलावा इनका एक नदी नाम से उपन्यास जो है वो आपको दिखाई देगा, नदी आ जाएगा इनका, और इनका आप देखेंगे एक और आता है बीच में ही भैया कबीर उदास, भैया कबीर उदास, ठीक है, ये आ जाता है इनका वेरी इंपॉर्टेंटली। और लास्ट में एक देखेंगे आप इनका वो है अल्प विराम, ये हो गया इनका नदी और फिर है अल्प विराम, ये है इनके उषा प्रियमदा जी के उपन्यास, ये थे आपके कृष्णा सोबती जी के उपन्यास। तो अब यहाँ पर रुकोगी नहीं राधिका, जैसे ये आया था 1967 में वैसे ही 1967 में जो है आपका ये वाला आ जाता है, ठीक है। बात करें अगर हम शेष यात्रा की तो शेष यात्रा जो है ये आ जाता है 1984 में, ठीक है, 84 में जो है आपका आ जाता है। अंतरवंशी की बात करें तो अंतरवंशी जो है आपका आ जाता है 2000 में, ठीक है। अभी देखिए इससे फायदा क्या होगा आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपके आ गया 2000 में, भया कबीर उदास जो है ये आपका आ गया 2007 में, ठीक है, 2007 में जो है वो आपका भया कबीर उदास आ गया। फिर नदी की बात करें तो नदी आ जाती है ये 2013 में, ठीक है, नदी आ गई 2013 में, और अल्प विराम जो है ये आ गया आपका 2020, ये आ गया आपका 2020 में। अब देखिए 1967 मित्रों मरजानी, 1967 रुकोगी नहीं राधिका, ठीक है, 2000 आपका अंतरवंशी और 2000 में समय सरगम। तो आप इंटरकनेक्टेड करके पढ़ सकते हो कि भाई 2000 में जो है ये रचनाएं आपकी आती हैं अलग अलग रचनाकारों की, तो क्रम में जब लगाने के लिए मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपकी आती है जन्म के अनुरूप ममता कालिया, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं आपके ममता कालिया की ओर, तीसरे नंबर पर ममता का, जिनका जन्म हुआ 1940, ठीक है, याद हो गए, साथ साथ में याद हो रहे हैं ना, इस तरह से उपन्यास भी याद हो रहे हैं आपको और इसका। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट ममता कालिया जी का आता है एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, ये इनका आता है 1997 में, 1997 में जो है ये इनका आता है, ठीक है। एक इनका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दुखम सुखम, दुखम और सुखम, ठीक है, दुखम सुखम ये 2009 में आता है, और इनका 2009 में ही एक और उपन्यास भी इंपॉर्टेंट में आता है
अंधेरे का ताला, ये भी अंधेरे का ताला, अंधेरे का ताला जो है ये भी 2009 में आता है और ये भी 2009 में आ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों 2009 के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। ठीक है, एक और आता है इनका 2016 में जो आता है, ये है आपका दुखों की होम डिलीवरी, होम डिलीवरी। ठीक है, आजकल होम डिलीवरी तो चली गई है, फट से ऑर्डर किया और फटाफट आ जाती है ना। तो ये 2019 की इनकी रचना है, 2019 उन्नीस नहीं 2000, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये दुख नहीं है, हमेशा दुखी थोड़ी बुलाएंगे, है ना। तो इन्होंने कुछ सपने देखे थे और उन सपनों की होम डिलीवरी करवाई। ठीक है, सपनों की होम डिलीवरी, और ये है आपका 2016 में। ठीक है, तो ये है आपके ममता कालिया के उपन्यास जो आप सभी के वेरी इंपॉर्टेंटली आते हैं। अब अगर हम बात करें अगली हमारी कौन सी है जो इसके बाद आएंगी, वो है आपकी मैत्री पुष्पा जी। मैत्री पुष्पा, यानी कि कितने नंबर पे आ गई आपकी, चौथे नंबर पे मैत्री पुष्पा जी। अब मैत्री पुष्पा जिनका जन्म तो हुआ 1944 में, अब इनके उपन्यास आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई सब में जो यहाँ लिखे हुए हैं वो वाले मैंने ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, जैसे ममता कालिया का बेघर है 1971 में आ जाएगा, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इनका आप देखेंगे मैत्री पुष्पा जी का, एक तो है स्मृति दंश, बहुत इंपॉर्टेंट, स्मृति दंश। ठीक है, स्मृति दंश जो है वो इनका इंपॉर्टेंट उपन्यास के स्वरूप में आ जाएगा, 1990 में आ जाता है। ठीक है, स्मृति दंश। उसके बाद में बेतवा बहती रही, बेतवा बहती रही। ठीक है, ये आ जाता है इनका बेतवा बहती रही 1993 में। उसके बाद में इनका देखेंगे एक आ जाएगा इनका इदम ना ममा, इदम ना मामा, जो इनका आ जाता है 1994 में। ठीक है, 1994 में आ जाता है। एक इनका आ जाता है अलमा कबूतरी। ठीक है, ये वाला चाक यहाँ पर आ गया 1997 में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 1997 में इनका चाक आ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है अलमा, मैं सब कुछ आपको एक ही स्लाइड पे दिखाना चाहती हूँ ना, इसलिए इसी पे लिख रही हूँ, अदरवाइज तो हम अलग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही ताकि आपको पता चले कि भाई हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही उससे हमने कर लिया। तो अलमा कबूतरी जो है वो आपका 2000 में आ जाता है। ठीक है, फिर इनका कोई ईसुरी फाग, कोई ईसुरी फाग, कोई ईसुरी फाग जो है ये इनका आ जाता है आपका 2004 में। ये 2004 की रचना है। और उसके बाद में आप देखेंगे इनका एक और इम्पोर्टेंट, फरिश्ते निकले, फरिश्ते निकले, ये इम्पोर्टेंटली आपको देखने को मिलेगा, फरिश्ते निकले जो इनका है ये 2014। तो ये आपकी कौन हो जाती है, मैत्री पुष्पा जो है वो इसके अंतर्गत आ जाती है इनके महत्वपूर्ण स्वरूप में। अब अगर हम बात करें तो लास्ट में आ गई आपकी नासिरा शर्मा जी, पांचवें नंबर पे नासिरा शर्मा, 1948 में जिनका जन्म हुआ नासिरा शर्मा जी का। और नासिरा शर्मा जी का आप देखेंगे महत्वपूर्ण स्वरूप में सबसे पहले सात नदियां एक समंदर, सात नदियां एक समंदर, ये इनका सबसे पहले आ जाता है सात नदियां एक समंदर 1984 में, जो है सात नदियां एक समंदर आ जाता है। फिर इनका ठीकरे की मंगनी, ठीकरे की मंगनी 1989 में आ जाता है, 89 के अंतर्गत। फिर उसके बाद में आप देखेंगे इनका आ जाता है जिंदा मुहावरे, जो इम्पोर्टेंट है वो सारे बता रही हूँ आपको, एक साथ इतनी चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं,
ठीक है, जिंदा मुहावरे जो इनका आता है वेरी इंपॉर्टेंट, 1993 में आ जाता है जिंदा मुहावरे। उसके बाद में इनका आ जाता है अक्षय वट, अक्षय वट, ठीक है, अक्षय वट जो है आपको देखने को मिलेगा, इनका इंपॉर्टेंट है अक्षय वट भी। और ये आज आपका आ जाता है 2003 में, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे 2003 के बाद में इनका एक जीरो रोड, जीरो रोड, ये भी इनका इंपॉर्टेंट है, जो 2008 का उपन्यास है, 2008 में आता है जीरो रोड जो है, ये आपकी नासिरा शर्मा जी का उपन्यास आता है। फिर इनका आता है कागज की नाव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कागज की नाव 2014 का जो है इनका ये उपन्यास है, 2014। उसके बाद में इनका लास्ट में आप देखेंगे तो दूसरी जन्नत, दूसरी जन्नत ये है 2018 का, ठीक है। और यहां पर आई गया इनका शालमली 1987। अब नासिरा शर्मा जी को पारिजात उपन्यास के लिए जो है वो मिला था 2016 में साहित्य अकादमी, ठीक है। 2015 में इनका पारिजात उपन्यास आता है, और पारिजात जो उपन्यास है उसके लिए 2016 में नासिरा शर्मा जी को साहित्य अकादमी मिला था। तो यहाँ पर मैंने आपको दो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो बता दिए। एक साहित्य अकादमी मिला कृष्णा सोबती जी को जिंदगी नामा पर 1980 में, एक जो है वो आपको मिला है नासिरा शर्मा जी को कब, पारिजात उपन्यास के लिए 2016 में। तो देखिए यहाँ पर आपके आई थिंक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर एक तो आपको स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई लेखिकाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं, इन लेखिकाओं का जन्म क्रम आप देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि इन उपन्यासों का क्रम बताइए। एक क्वेश्चन आपका हो गया कि आपने हर जो उपन्यास का स्वरूप है, तो कृष्णा सोबती के चाहे कोई सा भी उपन्यास आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्णा सोबती जी के इस उपन्यास का सन क्या होगा, ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या होगा, उनका अनुक्रम क्या होगा, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, उषा प्रेमवदा जी के कौन से उपन्यास का आपका जो भी पूछ लिया जाए, या उनको इंटरचेंज या मिक्सअप कर दिया जाए कि यहाँ पर इन उपन्यासों का प्रकाशन दिया, अगर आपको इनमें से कोई सा दे दिया जाए तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमें देखिए समय लगा अप्रॉक्सी मान लीजिए 20-22 मिनट जो हमें लगे इस तरह के कॉन्सेप्ट को करने में। लेकिन अगर इस तरह से आप हर जो विधा है उसके क्वेश्चंस को चुन लीजिए और उनको डिटेल में कीजिए, ठीक है, फिर देखिएगा आपको बार बार जो है, अगर आप एक बार कर लेते हो तो आप अगर 50 प्रश्न करते हैं इस तरह के तो आपको बार बार फिर वही वही राइटर्स वो सब मिलते रहेंगे। जब आप PYQ सॉल्व करते हैं उससे आपकी जो मेमोरी है, आपकी स्मृति की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। याद रखिए कि इस तरह से सॉल्व जब आप करते हैं तो आप जैसे एक पेज में हमने यहाँ पर ये किया, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपको अलग राइटर मिले, हो सकता है उपन्यास ही आप कर रहे हैं अलग राइटर मिले, कहानी में अलग राइटर मिलेंगे और उसमें अलग मिलेंगे, तो इस तरह से। या आप जब याद करें तो जैसे एक पर्टिकुलर राइटर को आपने ले लिया आपने एक पेज के ऊपर, और उस पेज पर आपने क्या किया, उषा प्रेमवदा जी की जो भी कहानियां हैं जो संग्रह हैं इम्पॉर्टेंटली, या उषा प्रेमवदा जी के जो रचनाएं हैं उनको आपने पर्टिकुलर लिख लिया, ठीक है। जैसे अगर हम प्रेमचंद जी को जैसे याद करते हैं तो प्रेमचंद जी की हमने कहानियों के संग्रह लिख लिए, प्रेमचंद जी के हमने उपन्यास लिख लिए, प्रेमचंद जी के हमने नाटक लिए, तो प्रेमचंद जी के बारे में मैंने पूरा क्लियर कर लिया। तो एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है, इस जिस तरीके से आपको ठीक लगे उस तरीके से आप आगे बढ़ते जाए। तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं, जो एक क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने इस तरह से अनेक विस्तार लेकर के, अनेक कॉन्सेप्ट लेकर के आपको सॉल्व कराए। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर तैयार हो गए, इनके जन्म के मान लीजिए 5 क्वेश्चन, इनके प्रकाशन वर्ष के, इनके हर उपन्यास के, तो 50 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर इसमें सॉल्व कराया। तो यहाँ पर जब हम इस प्रश्न का उत्तर आपको देखते हैं तो यहाँ पर दिखेगा कि भाई ए जो है वो तो सबसे पहले आ जाएगा 1961 है, ठीक है, उसके बाद में 1961 के बाद में हमें सी दिखाई दे रहा है 1971 में, 71 के बाद में हमें 87D दिखाई दे रहा है, तो ACD, D के बाद में हमें E दिखाई दे रहा है, और फिर समय सरगम सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके कॉन्सेप्ट से
जुड़ने के लिए। और इस तरह के और भी इसी तरह के हम क्वेश्चंस जो है ऐप पे भी करते हैं, ऐप पे इसी तरह से डिटेल्ड में हम जो आपके लिए फ्री क्लासेस हैं उसमें भी आपको बताती हूँ। तो आप सभी को हमारी फ्री क्लास को भी ज्वाइन करना है जो रात को 9 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे। तो आप सभी ज्वाइन कीजिए, ऐप पे आइए और ऐप पे इस तरह की क्वेश्चन तो कम से कम फ्री आपको मिल ही रहे हैं, तो वहां पर तो आपको जरूर जुड़ ही जाना है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपकी मिस ना हो, और लगातार हमारे साथ बने रहिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस के अंतर्गत। मैं डॉक्टर कविता नूनिया इस तरह के एक क्वेश्चन अनेक कॉन्सेप्ट लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।